YouTube चैनल सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैं थर्सडे को वीडियो नहीं बना पाया था तो इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे कुछ कॉल दिए थे, अगर आपको याद है। इक्विटास मैंने बाय दिया था, जी एंटरटेनमेंट मैंने सेल दिया था, रिलायंस मैंने बाय दिया था, सो वो डिस्कस करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे मंडे के सेशन के लिए। बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोज देखे यूट्यूब पे जो जिसमें बता रहे हैं कि 7000 टारगेट आएगा, 7500 वापस रीटेस्ट होगा, 6000 निफ्टी आ जाएगा। सो हम डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा सच में होने वाला है, 7500 आएगा या नहीं आएगा। आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, करेक्ट, और ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था 10500 और ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था 10300। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटता तब तक आपका व्यू बेरिश नहीं होना चाहिए। वापस ध्यान से सुनना, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटता तब तक आपका व्यू बेरिश नहीं होना चाहिए। चाहे कितना भी वीडियो बने आप उसमें ध्यान मत दो, आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो 10,300-10,500, ये क्रूशियल लेवल है। अगर ये लेवल नहीं टूटता तो 7000 क्या 9000 भी नहीं आएगा निफ्टी। ध्यान से सुनना, 7000 छोड़ो 9000 भी नहीं आएगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा है, लेट से ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है तो क्या पॉसिबल टारगेट्स है। लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे जाते हैं वीकली और मंथली पे और फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं, ठीक है। पर अभी आप फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा कि 10,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है विच कैन बी अ पॉसिबल फर्स्ट टारगेट, 10,300 विच कैन बी अ पॉसिबल सेकेंड टारगेट। अगर आप ओवरऑल देखो अभी फिलहाल एक रेंज में है निफ्टी, लास्ट के 3-4 कैंडल तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 10,850 के ऊपर बाय रहेगा ये, ठीक है, 11,000 के टारगेट के लिए। और अगर ये टूटता है 10,600-650 लेवल्स तो मुझे लगता है एक बार 10,500 और 10,300 रीटेस्ट हो सकता है। सो ये पॉसिबिलिटीज है, 10,850 के ऊपर बाय है 11,000 के टारगेट के लिए। अब थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू एनालिसिस करते हैं, हम लोग जाते हैं वीकली चार्ट पे, ठीक है। सो हम लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट पे एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, ठीक है। सो आप मेरा निफ्टी का वीकली चार्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये फॉल आया था, यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ पे एक फॉल आया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। सो एक क्लीन एंड क्लियर एक डब्ल्यू ब्रेकआउट है, ठीक है। डेली चार्ट पे भी डब्ल्यू ब्रेकआउट बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेली चार्ट पे भी फॉल आया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। सो डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर डब्ल्यू पैटर्न बना है। मंथली चार्ट पे अभी तक डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना है, डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे मैंने आपको डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है। अब निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले ये मंथली चार्ट पे भी डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है ऐसा पैटर्न एक फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ से 9,400-9,500 के टारगेट्स आ सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करता है तो ही ऐसा पैटर्न फॉर्म हो सकता है। वापस मैं बोल, अभी भी व्यू बुलिश है, क्लियरली कोई बेरिश सिग्नल नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑन मंथली चार्ट, ठीक है। सो 9,400 के पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा मुझे निफ्टी नीचे नहीं लगता एज पर करंट चार्ट पैटर्न। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है, वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हो क्लियर डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने भी मंथली चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाया है, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी मंथली चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बनना बाकी है। सो मुझे लगता है यहाँ से एक बार ये 19,500-20,000 तक आ सकता है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ब्रेकआउट दे सकता है, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, डब्ल्यू पैटर्न से हम लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटता तब तक मेरा व्यू बेरिश नहीं होगा, ठीक है, मेरा व्यू बेरिश नहीं होगा। 22,000-21,000 अगर टूटने लगा तो मेरा व्यू बेरिश होगा और 19,500-20,000 के टारगेट के लिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 16,000-17,000 टारगेट, मैं वो टारगेट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 16,000-17,000 मैं 19,000 और 20,000 तक के ही टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ताकि वो मंथली चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो और उसके बाद ऊपर जाए, ठीक है। ये था ब्रॉडर एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको जी एंटरटेनमेंट सेल दिया था 170 के नीचे, आप टेलीग्राम चैनल में देख सकते हो 167 तक जाके आया ये, इसमें 3 रुपए का अच्छा खासा प्रॉफिट मिला इंट्राडे में
और 3 रुपए का प्रॉफिट इंट्राडे में काफी अच्छा होता है 170 रुपीज के स्टॉक के लिए। यूपीएल मैंने आपको सेल दिया था, यूपीएल ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस है। इक्विटास मैंने आपको बाय दिया था 59 में, ये 61.80 तक जाके आया, तो इसमें भी एक काफी अच्छा इंट्राडे में पैसा बना। रिलायंस मैंने आपको बाय दिया था, आप टेलीग्राम देख सकते हो, टेलीग्राम में मैंने लेवल मेंशन किए हुए, 1835 पे मैंने बाय दिया था और 1878 तक जाके आया है। सो आई एम श्योर आपने अगर टेलीग्राम चैनल फॉलो किया है तो उसमें आपने ये कॉल्स आपको मिले होंगे और आपने ट्रेड करके अच्छा पैसा बनाया होगा। अगर आपने प्रॉफिट किया है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने कौन से स्टॉक में ट्रेड किया और आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कौन से स्टॉक्स पे आपको कल के सेशन में ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा एसीसी। एसीसी अगर आप देखो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक ये सपोर्ट है 1250 के आसपास, अगर आप देख सकते हो नीचे में एक ही सपोर्ट है 1250 के आसपास, तो मुझे लगता है एक बार ये 1250 तक ये रिटेस्ट हो सकता है। तो यहाँ से 50-60 रुपए का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है एसीसी में, तो एसीसी काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा मंडे के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्यूमिन इंडस्ट्रीज, क्यूमिन इंडस्ट्रीज अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा इसमें सेटअप हुआ है, ये देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है, करेक्ट, कोई भी उछाल आता है काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा, तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे और उसके बाद फॉल आए, तो हो सकता है यहाँ पे 400 के आसपास इसमें काफी अच्छा शॉर्ट बन रहा है, 400 के आसपास कोई भी उछाल में इसमें काफी अच्छा शॉर्ट बनेगा फॉर अ टारगेट ऑफ 360 एंड 370। सो इसमें एक पोजिशनल ट्रेड स्विंग ट्रेड हम लोग प्ले कर सकते हैं, 400 के अराउंड अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा 360 और 370 के टारगेट्स के लिए। लास्ट स्टॉक होगा एनआईटी टेक। एनआईटी टेक मुझे काफी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है। एनआईटी टेक अगर आप देखो तो इसने ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हो एक राउंडिंग फॉर्मेशन ब्रेकआउट है, यहाँ से राउंडिंग फॉर्मेशन हुआ एंड यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब मुझे लगता है यहाँ से इजिली इसमें 1700 तक के टारगेट इजिली देखने को मिल सकते हैं, तो 1700 रुपए के टारगेट के लिए 1700 के टारगेट के लिए काफी अच्छा लॉन्ग ट्रेड रहेगा एनआईटी टेक। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो और एनालिसिस काफी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।